देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तोड़ू दस्ते लौटते ही मोमिनपुरा में फिर लौट आया अतिक्रमण। जरीपटका और हिंगना में दो नाबालिगों के साथ छेड़छाड़। दूसरी लहर में बीमा कंपनियों ने खूब लूटा। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। महानगर पालिका के तोड़ू दस्ते ने सोमवार को मोमिनपुरा मार्केट में बड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण का सफाया किया था, लेकिन मंगलवार को मोमिनपुरा परिसर में अतिक्रमण जस का तस फिर फैल गया। फिर यातायात चरमराने लगा। नागरिकों की समस्या बढ़ गई, लेकिन इसमें प्रशासन को क्या फर्क पड़ता है। उन्हें महीनों में एक बार खाना पूर्ति कर कार्रवाई करनी होती है। अतिक्रमण की समस्या से त्रस्त परिसर के नागरिकों का कहना है कि आखिर ऐसी कार्रवाई का क्या फायदा जो दिखावे के लिए की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दस्ते ने यहाँ यातायात विभाग, तहसील पुलिस और महानगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से सोमवार को कार्रवाई की थी। मोमिनपुरा के अंसार नगर, मोतीबाग, गार्डलाइन पुलिया तक अतिक्रमण हटाया गया था। होटल दुकानदारों के शेड हटाए गए थे। अतिक्रमण की कार्रवाई से खलबली मची हुई थी, लेकिन दूसरे ही दिन अतिक्रमण फिर से फैल गया। मोमिनपुरा में अतिक्रमण की वजह से दोपहिया वाहन सहित पैदल आवाजाही भी बहुत कठिन है। होटल चालकों और दुकानदारों ने आधी सड़क तक अतिक्रमण कर रखा है। सड़क तक मनमाने तरीके से शेड बना दिए गए हैं। ऐसे में सड़क सक्रिय होने से हमेशा यहां पर यातायात चरमराता है। रहमान होटल के अवैध पार्किंग सड़क पर है। बब्बू और बर्तानिया ने इसी तरह सड़क पर कब्जा कर रखा है। कपड़ों की दुकानों से लेकर पान की टपरी चलाने वालों ने भी सड़क पर अतिक्रमण फैला रखा है। अतिक्रमण कार्यों में प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं। दूसरी खबर, जरीपटका व हिंगना इलाके में दो नाबालिगों से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। पहली वारदात हिंगना के 15 वर्षीय किशोरी के साथ अज्ञात युवक ने हाथ पकड़कर आपत्तिजनक हरकत की। वहीं दूसरी वारदात जरीपटका में सोमवार को दोपहर 3 बजे हुई। 14 वर्षीय नाबालिग अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान केबल कनेक्शन की जांच कर सेटअप बॉक्स लगाने आरोपी रितेश शंकर नाबालिग के घर आया था। वायर लगाते समय मदद मांगने के बहाने रितेश ने नाबालिग से अश्लील हरकत कर अपमानित किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, कोविड की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। मरीजों मृत्यु की संख्या का रिकॉर्ड बना। अनेकों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई। जिनको निजी अस्पताल में बेड मिला, उनमें से अनेकों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी एडवांस रकम वसूली गई। कोविड संकट के दौरान कई नई मेडिक्लेम कंपनियां मार्केट में उतरी। पैसे देने के नाम पर 70-80% राशि ही भुगतान की गई। सालाना 30,000 रुपए का भुगतान कर 4 सदस्यों का 5-5 लाख रुपए का मेडिक्लेम करवाया गया था। कोविड की वजह से पत्नी के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। अस्पताल का बिल निकला 7 लाख रुपए, लेकिन मेडिक्लेम मिला सिर्फ 3.5 लाख रुपए। वहीं दूसरा केस, एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का विज्ञापन देखकर कोविड बीमा कराया, लेकिन कोविड के बाद हुए म्यूकर माइकोसिस का उपचार उसमें शामिल नहीं बताया गया। ऐसे ही एक निजी अस्पताल के संचालक ने नाम न बताने की शर्त पर कोविड मरीजों के उपचार के दौरान डिस्पोजल वस्तुएं, परीक्षण और विटामिन की दवाओं पर बड़ा खर्च होता है। इसी प्रकार शासन की दरें और निजी अस्पताल की दरों में भारी अंतर है। कुछ कोविड मरीजों का बार बार परीक्षण कराना पड़ता है, लेकिन इंश्योरेंस में डिस्पोजल, बार बार किए गए परीक्षण और विटामिन की दवाओं का खर्च शामिल नहीं किया जाता। इसी के साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।